पंच परमेश्वर। प्रस्तुत कहानी पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। कहानी गांव की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, जहां पंचों के पद की महानता को दर्शाया गया है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। आइए देखते हैं कि सरपंच का पद इन दोनों की मित्रता को किस प्रकार प्रभावित करता है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, यानी हिस्सेदारी में खेती होती थी। अंग्रेजी में कहेंगे पार्टनरशिप में खेती होती थी। कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। मूल मंत्र यानी कुंजी या मूल तत्व, अंग्रेजी में कहेंगे की। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे, और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरु जी की बहुत सेवा की थी। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अर्थात अलगू अपने गुरु जुमराती की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। सेवा शुश्रूषा अर्थात देखभाल या टेकिंग केयर ऑफ। वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। अर्थात जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के प्रभाव को नहीं मानते थे। अर्थात वे आशीर्वाद के असर से ज्यादा कन्विंस्ड नहीं थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था, और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। जुमराती शेख का मानना था कि उनके सोटे या छड़ी की मार के डर से ही विद्या प्राप्त होती है, और वास्तव में भी अपने पिता जुमराती शेख के सोटे के डर से ही जुम्मन इतना पढ़ लिख गए थे कि आसपास के गांवों में उनका बहुत आदर होता था। अतएव अलगू का मान उसके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी मासी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, यानी जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके उसकी मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। दान पत्र यानी दिए गए दान के संबंध में लेख या रिसीट। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षासी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। अर्थात जब तक जमीन जायदाद जुम्मन के नाम नहीं हुई थी तब तक तो खाला के खाने पीने का अच्छा ख्याल रखा जाता था, लेकिन जायदाद जुम्मन के नाम हो जाने के बाद ये सब खातिरदारियां बंद हो गईं। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तथा तीखे सालन भी देने लगी। सालन का शाब्दिक अर्थ है मसालेदार तरकारी, या अंग्रेजी में कहेंगे स्पाइसी करी, परंतु यहां इस शब्द का प्रयोग व्यंगात्मक तरीके से, मतलब एज अ सटायर, करीमन की बातों की कड़वाहट को जताने के लिए किया गया है। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। निठुर
यानी कठोर स्वभाव, अंग्रेजी में कहेंगे रूड बिहेवियर, अर्थात उन्हें भी खाला जान की इस बुरी दशा पर दया नहीं आती थी। अब बेचारी खाला जान को प्रायः ऐसी ही बातें सुननी पड़ती थी। प्रायः यानी बहुधा, लगभग, अंग्रेजी में कहेंगे ऑफन। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, दो तीन बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। ऊसर यानी बंजर या बैरन लैंड। तो जुम्मन की बीवी करीमन खाला जान को सुनाती थी कि दो तीन बीघे बंजर जमीन क्या दे दी, उन्हें लगता है जैसे हमें खरीद लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती, जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। बघारना यानी झोंकना, तड़का देना, या टू सीजन, अर्थात जुम्मन की पत्नी करीमन खाला को ताने देती थी कि वो बिना तड़के की दाल या सादा खाना तो खाती नहीं, उनके खाने पर उन्हें बहुत खर्चा करना पड़ता है। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने इसमें दखल देना मतलब इंटरफेयर करना उचित न समझा। कुछ दिन तक यो ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। निर्वाह मतलब गुजारा, अंग्रेजी में सस्टेनेंस। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहां उगते हैं। धृष्टता यानी निर्लज्जता या शेमलेसनेस। खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। अर्थात जब खाला ने अपना खर्चा मांगा तो जुम्मन ने बेरुखी दिखाते हुए इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। खाला बिगड़ गईं। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देख मन ही मन हंसता है। वे बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। खटपट यानी झगड़ा। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। संदेह यानी शक या डाउट, अर्थात जुम्मन को पूरा विश्वास था कि पंचायत में उसी की जीत होगी। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो। अनुग्रहों का मतलब दया अथवा उपकार, और फेवर या काइंडनेस, अर्थात आसपास के गांव के सभी लोग जुम्मन शेख के एहसान तले दबे थे। ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके। किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। आसमान के फरिश्ते यानी बाहर के लोग। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था। दूभर यानी मुश्किल था, अंग्रेजी में कहेंगे डिफिकल्ट। मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। बिरला मतलब कोई एक, अनूठा, अंग्रेजी में समवन। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हू हां करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी और कहा, कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। यहां कब्र में पांव लटके हुए हैं एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है मृत्यु के निकट होना, मरणासन्न होना या अबाउट टू डाई। आज मरे कल दूसरा दिन भी एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है
लोग जल्दी ही मरे हुए लोगों को भूल जाते हैं, या द डेड आर फॉरगॉटन सून, अर्थात लोग खाला को दोष देते हुए कहने लगे कि इतनी बूढ़ी हो गई है, कभी भी मर सकती है, फिर भी इतना लालच कर रही है। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बारी से क्या काम है? अर्थात कुछ लोग खाला को ही भला बुरा कहने लगे कि उसे रूखा सूखा खाकर भगवान का नाम लेना चाहिए और जमीन जायदाद का लालच नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन के से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आवे। अर्थात वे लोग खाला की बातों पर ध्यान देने के बजाय उनके बूढ़े व्यक्तित्व का मजाक उड़ाते थे। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। सांत्वना यानी धीरज, धैर्य, अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्सोलेशन। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटकती और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आओ। दम भर के लिए यानी थोड़ी देर के लिए, अंग्रेजी में कहेंगे फॉर सम टाइम। अलगू बोले, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। खाला बोली, अपनी विपदा तो सबके आगे रो आई, मतलब अपना दुखड़ा या परेशानी तो सबको बता आई। अब आने न आने का अख्तियार उनको है। अख्तियार यानी मर्जी, या अंग्रेजी में चॉइस, ऑप्शन। अलगू बोले, यो आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला बोली, क्यों बेटा? अलगू बोले, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। हालांकि अलगू खाला का दुख समझ रहा था, फिर भी उसने जुम्मन के खिलाफ पंचायत में कुछ भी बोलने से मना किया, क्योंकि जुम्मन उसका बचपन का दोस्त था। खाला बोली, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। कहने का तात्पर्य है कि वैसे चाहे हमें ध्यान भी न हो कि हम अपने जीवन में धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं, परंतु यदि कोई चुनौती दे तो फिर धर्म पालन को नजरअंदाज नहीं कर पाते। फिर धर्म पालन ही सबसे जरूरी कर्तव्य हो जाता है। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। यहां खाला ने अलगू के विवेक को चुनौती दी कि क्या वह जुम्मन के साथ मित्रता टूट न जाए इसलिए ईमान का अर्थात सच का साथ नहीं देगा। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श यानी दरी या बिछावन बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलगू चौधरी से जरा दूर पर बैठे हुए थे। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भरना मतलब जगह पूरी भर जाना, अंग्रेजी में कहेंगे एवरी इंच ऑफ द स्पेस गेटिंग ऑक्यूपाइड।
निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी, अर्थात बुलाए हुए लोगों में से केवल वे ही लोग आए थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कोई दुश्मनी निकालनी थी। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी, इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन को कपड़ा, बेबस बेवा हूं, अर्थात बिना किसी सहारे के मजबूर और हेल्पलेस विधवा हूं। कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी, मतलब पंचों के निर्णय का पूरा सम्मान करूंगी, वही करूंगी जो वे निर्णय देंगे। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों अर्थात ग्राहकों और कस्टमर्स को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियां, किसे पंच चुनते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो। निपटारा अर्थात निबटना या सॉल्यूशन। फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैमनस्य था। वैमनस्य मतलब होता है द्वेष या मनमुटाव, अंग्रेजी में समझे मैलस, और फीलिंग ऑफ हेट्रेड। तो जुम्मन को सभा में उस समय वही लोग दिखाई दिए जिनके मन में उसके प्रति मनमुटाव था। जुम्मन शेख बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, खाला जान जिसे चाहे पंच चुन ले। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। आक्षेप मतलब आरोप या दोष या ब्लेम। बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच चुनती हूं। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। हालांकि जुम्मन ने अपनी खुशी छिपाते हुए कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वास्तविकता में वे मन ही मन अलगू के चुनाव से 2 वजह से बहुत खुश थे। पहली वजह, रामधन जुम्मन से चिढ़ता था, इसलिए वह उनके खिलाफ निर्णय दे सकता था, और दूसरी वजह, अलगू उनका पुराना मित्र था जो उनके खिलाफ जा ही नहीं सकता था। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। यहां पर जुम्मन शेख और खाला के बीच की बातचीत इस कहानी के केंद्रीय भाव सरपंच का पद ईश्वर के समान महत्वपूर्ण होता है को प्रकाशित करती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की,
जिरह अर्थात बहस या सवाल जवाब, अंग्रेजी में कहेंगे आर्ग्यूमेंट। तो अलगू ने जुम्मन से बहस शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। अब क्योंकि जुम्मन को उम्मीद ही नहीं थी उसका मित्र अलगू उससे ऐसे सवाल पूछेगा जिनके उत्तर उसके खिलाफ जाएंगे, इसलिए जुम्मन को अलगू का एक एक सवाल बहुत तकलीफ दे रहा था। उधर रामधन जिनके मन में जुम्मन के प्रति वैमनस्य था, वे अलगू के ऐसे सवालों पर बहुत खुश हो रहे थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया, अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी कायापलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। कायापलट यानी पूर्णतया परिवर्तित होना या ट्रांसफॉर्मेशन, जड़ खोदना मतलब सर्वनाश करना, और टू डिस्ट्रॉय न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आएगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। नीति संगत सिद्धांततः उचित या इन प्रिंसिपल। माहवार खर्च दिया जाए मतलब महीने के अनुसार खर्च या मंथली एक्सपेंडिचर दिया जाए। हमारा विचार है कि अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बा नामा रद्द समझा जाए। हिब्बा नामा मतलब रजिस्ट्री, अर्थात यदि जुम्मन खाला को हर महीने खर्च नहीं देता है तो वह संपत्ति जो खाला ने जुम्मन के नाम लिख दी थी वह अब जुम्मन के नाम नहीं रहेगी। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया, मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर कर रहे थे। नीति परायणता यानी व्यवहार की नीति का पालन करना अर्थात राइट बिहेवियर। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। शिष्टाचार मतलब ऐसा बर्ताव जो हर किसी के साथ एक सभ्य व्यक्ति को करना चाहिए। फॉर्मल बिहेवियर अर्थात अब उनमें पहले जैसी गहरी मित्रता न रही। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर अर्थात हर वक्त खटका करती थी। कुटिलता यानी दुष्टता, अंग्रेजी में कहेंगे विकेडनेस। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। एक महीने बाद दैव योग से अर्थात संयोग से या इत्तफाक से अंग्रेजी में कहेंगे इंसिडेंटली, जुम्मन की पंचायत के एक महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का, उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। निदान अर्थात अंत में या फाइनली सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वे इक्का गाड़ी हाँकते थे, गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते
मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हो जाएं। खेप मतलब चक्कर या अंग्रेजी में राउंड। तो साहू ने सोचा कि यह अलगू का ताकतवर बैल हाथ लगे तो दिन भर में बिना किसी परेशानी के 3 चक्कर गांव से मंडी के लग जाएं। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। अर्थात समझू साहू सोच रहे थे कि उसका तो बाजार तक का 1 चक्कर ही मुश्किल से लग पाता है। बैल देखा, बाल भौरी की पहचान कराई, अर्थात बैल के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल कराई, मोल तोल किया अर्थात सौदा तय किया, अंग्रेजी में कहेंगे टू बागेन, और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। कहने का तात्पर्य है कि अलगू चौधरी एक अकेले बैल को तो खेती में लगा नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें बेचना ही था। इस कारण से उन्होंने इस सौदे में होने वाले नुकसान, अंग्रेजी में कहेंगे लॉस, पर ध्यान नहीं दिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। रगेदना मतलब जबरदस्ती दौड़ाना, अंग्रेजी में टू मेक वर्क फोर्सिबली। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। जोतना मतलब बैलगाड़ी में लगाना। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंशी बजती थी, अर्थात अलगू के घर में तो उस बैल को अच्छे से खाने पीने को और आराम करने को मिलता था। परंतु समझू साहू के यहां तो बस काम ही करवाते रहते थे। एक एक पग चलना दूभर था। दूभर यानी मुश्किल या डिफिकल्ट। हड्डियां निकल आई थी पर था वह पानीदार, मार उसे बर्दाश्त न थी। पानीदार मतलब स्वाभिमानी, अंग्रेजी में वन हैविंग प्राइड इन सेल्फ। कहने का मतलब यह कि हालांकि बैल कमजोर हो गया था तब भी वह भागता था, वह स्वाभिमानी था, उसे मार खाना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे। साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी, अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। अर्थात निर्दयी व लालची साहू बेदर्दी से बैल को कोड़े मार मार कर बार बार दौड़ाए जा रहा था, बिना ये सोचे कि बैल कितना भूखा और थक गया होगा। बैल ने भी पूरा जोर लगाया, परंतु आखिर में शक्तिहीन होकर गिर गया और फिर मर गया। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, रस्सियां खोलकर अलग किया, सोचने लगे गाड़ी कैसे घर पहुंचे। कोई नजर न आया, आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के मरे हुए बैल को कोसने लगे।
अब आगे तुझे मरना ही था तो घर पहुंच कर मरता, अब गाड़ी कौन खींचे। साहू जी ने कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी बेचे थे। पीपे मतलब डिब्बे, 250-250 रुपए कमर में बंधे थे। इसके सिवा दाढ़ी पर कई पीपे तेल के थे, अतएव छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। वहीं रत जगा करने की ठान ली। रत जगा मतलब रात भर जागना, आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पौ फटते ही अर्थात सूरज उगते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई पीपे तेल नदारद, अर्थात जब साहू सो रहा था तब किसी ने उसके तेल के डिब्बे और रुपए चुरा लिए थे। रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआइन ने जब यह सुना तो अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई, अर्थात साहू की पत्नी इस चोरी को एक दुर्घटना मानने के बजाय अलगू को ही दोष देने लगी कि उसने एक बुरे लक्षण वाला बैल उन्हें बेचा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए बकने लगते, वाह यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, इन्हें दामों की पड़ी है, मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं। झल्लाए मतलब क्रोधित या अंग्रेजी में enraged। चौधरी के अशुभ चिंतकों यानी बुरा चाहने वालों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू के बर्राने की पुष्टि करते, परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। बर्राने शब्द का अर्थ है बड़बड़ाना या व्यर्थ की बातें करना, अंग्रेजी में कहेंगे यूजलेस टॉक। हाथ धो लेना यानी किनारे हो जाना। चौधरी का बुरा चाहने वाले लोग चौधरी को साहू के खिलाफ भड़काने लगे। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। वे परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा। परामर्श यानी सलाह, अंग्रेजी में कहेंगे एडवाइस। पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। अर्थात झगड़ा देखकर गांव वालों ने अलगू को पंचायत बुलाने की सलाह दी। साहू जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारी होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच चुनते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। क्योंकि अलगू को डर लगने लगा कि जिस प्रकार पिछली पंचायत में उसने जुम्मन के खिलाफ फैसला सुनाया था, कहीं अब जुम्मन उस बात का बदला लेने की कोशिश न करे। रामधन मिश्र अलगू के मित्र थे, वह बात को ताड़ गए। ताड़ गए मतलब समझ गए, अंग्रेजी में परसीव्ड। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं। उज्र मतलब आपत्त, विरोध, अंग्रेजी में समझे तो कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। अलगू चौधरी ने निराश होकर कहा, मुझे क्या उज्र होगा,
जुम्मन शेख के मन में सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है। सदृश मतलब समान, तुल्य, अंग्रेजी में अलाइक। और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे सत्य से कण भर भी टलना उचित नहीं। अर्थात जुम्मन को सरपंच का पद मिलते ही उस पद की गरिमा का एहसास हुआ और उसने निर्णय लिया कि भले ही वह अलगू से नाराज हो और उससे बदला लेना चाहता हो, परंतु वह सत्य का ही साथ देगा और अन्याय नहीं होने देगा। यहां पर जुम्मन के विचार, पंचों के पद का महत्व, जो इस कहानी का केंद्रीय भाव है, उसे दर्शाते हैं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू साहू को बैल का मूल्य देना चाहिए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। अर्थात जुम्मन ने अलगू के हक में फैसला देते हुए कहा कि एक तो साहू ने स्वस्थ बैल खरीदते समय उसकी पूरी कीमत नहीं चुकाई और फिर बैल को ठीक से खिलाए पिलाए बिना इतना परिश्रम करवाया कि वह मर गया। इसलिए साहू को पूरी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अलगू चौधरी फूले न समाए, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। फूला न समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। अर्थात अलगू जुम्मन के सोच विचार करके लिए गए फैसले से बहुत खुश हुए। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। अर्थात हर व्यक्ति जुम्मन के इस न्यायोचित निर्णय की प्रशंसा अर्थात प्रेज कर रहा था। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। अर्थात जुम्मन ने यह माना कि वह अलगू से बदला लेना चाहता था, परंतु पंच के पद की जिम्मेदारी मिलने पर उसे एहसास हुआ कि पंच का पद और न्याय दोस्ती और दुश्मनी की भावना से ऊपर है। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई लता फिर हरी हो गई। अर्थात दोनों की दुश्मनी खत्म हो गई और वे फिर से गहरे दोस्त बन गए। Thank you.
Thank you.